आइए सर, सर आइए सर, एक मिनट। सुमित जी, हाँ बोले कैसे जी? जी बालाजी के बाहर आइए सर, आइए सर, चलेगा। एक मिनट, एक मिनट, करेंगे मिलेगा पूजा सर, पीछे आ जाओ आप लोग। कृष्णा सर, चलेंगे चलेंगे सर। गाइस वंस अगेन अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल दिस ब्यूटीफुल सेलिब्रिटीज। कृष्णा सर आइए, सर आइए, किधर हैं? अरे मैं नहीं। फराज ओहो, सलाम वालेकुम। आइए सर, आइए, आपका इंतजार कर रहे हैं सब लोग। आइए प्लीज, आइए। अरविंद सर, मैम सर 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 तालियां हो जाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस गाइस, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम प्लीज। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच। गोस्वामी भाई लुक यार, थैंक यू। होते हैं लेकिन उसका रिवेंज काफी लिया गया इस फिल्म में बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये पूरी कहानी इसी के बेस पर बनी हुई है, पूरी फिल्म इसी बेस पर है। एक्चुअल में एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड था, लेकिन थोड़ा सा वो पॉलिटिकल नाम और पॉलिटिकल लोग होने की वजह से मैंने वो साइड में कर दिया, क्योंकि ये सेंसर से भी पास नहीं होगा, फिर दुनिया भर के
प्रॉब्लम हो सकती है. तो दैट्स व्हाई आई थॉट दैट वी शुड गो फॉर अ फिल्म स्टोरी बेस्ड ऑन अ फिक्शन कम्प्लीटली. सो दिस फिल्म इज ऑल अबाउट द रेप दैट इज हैपनिंग एवरीवेयर इन इंडिया इन एवरी कॉर्नर पार्ट्स इन एवरी सिटी and we are going to create a concern for this particular cause. Thank you. Pooja Poonia and Mr. Ajay Gautam. To of the CD, let's have a big round of applause. This is a very special moment. Please keep clapping. Sir, look camera please. Everyone look center. Pooja ji, come close, thoda go back. पास में रुक प्लीज. आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर विजय जैन एंड सुनील कुमार प्लीज जॉइन देम. सर सर पास में रुक. प्लीज लुक एट द कैमरा गाइस. अच्छा था चीज. मुझे जो ट्रेलर मतलब थोड़ा है ना जो लाउडली होता है ना बड़ा मजा आता है. मुझे अच्छा लगा. ओके और क्या खास अच्छा लगा? यू हैव सीन द सॉन्ग तो क्या कहना चाहिए डायरेक्टर के बारे में? सी डायरेक्शन के बारे में जब हम पूरी मूवी देखते हैं तभी हमको पता चलता है, लेकिन जो एक ट्रेलर के अंदर जो आपको एक बाउंस मिलता है वो मुझे बहुत अच्छा लगा. ओके बिग बॉस इज ऑलरेडी देयर ऑन एयर और कुछ हटके हो रहा है, जोड़ियां आ रही हैं. आई डोंट थिंक सो हटके हो रहा है. व्हाई यू थिंक सो? कुछ हटके नहीं हो रहा है. नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मुझे अभी सच बोलूं तो मुझे सीजन बिल्कुल समझ ही नहीं आया. और जो भी मैं आई एम वेरी क्लियर कट पर्सन और मैंने पूरे कंटेस्टेंट को पूरा देखा तो जो एक बेंच मार्क जो एक सेट कर दिया सीजन बिग बॉस 11 ने, आई डोंट थिंक सो कि वो वहाँ तक. जैसे हम लोग फर्स्ट वीक में गए थे तो पहले दिन ही एक बवाल हो गया था पूरे घर में और पूरे मतलब इंडिया के अंदर बिग बॉस चलता था. सो जब एक सेट हो जाता है मार्क को अप टू द मार्क, मेरे हिसाब से आई एम सो सॉरी नहीं है. शिल्पा कई बार बिग बॉस के घर में गई हैं अभी हाल फिलहाल में जी. और कुछ उन्होंने जाके जज किया है कंटेस्टेंट, क्या पॉसिबिलिटी है अर्शी भी वहाँ जाएं? देखिए वो मेकर्स पहले सबके एक एक टाइमिंग सेट रहता है कि किसकी कब ज़रूरत पड़ सकती है. उन लोगों के उस टाइम में वो बिग बॉस की विनर रही हैं तो उनको बुलाया गया कि चलिए आप जज कीजिए. इवन हिना भी गई थी, हितेन भी गए थे, तो सबका अलग अलग एक टाइमिंग सेट किया रहता है मेकर्स की तरफ से. और अर्शी खान तो जब जाएगी तब जब उसको यहाँ ले जाना पड़ेगा. ओके प्लास्टिक सर्जरी जो उस पर कितना बिलीव करती हैं आप? सी आई डोंट बिलीव इन प्लास्टिक सर्जरी, लेकिन इंसान को अगर आपको खूबसूरत दिखना है और आपने चीज़ों को और इन्हेंस करना है तो आप कर सकते हैं.
यू नो समटाइम इट आल्सो वेंट रॉन्ग, कुछ गलत भी हो जाता है. हाउ डू यू सी दैट, यू नो देयर आर सो मेनी, कोयना मित्रा इज एग्जांपल ऑफ. देखिए प्लास्टिक सर्जरी, आप किसी भी चीज को एक्सेसिव मतलब ज्यादा करेंगे कि आपको नोज को और शार्प दिखाना है, अपने लिप्स को और ब्रॉड बड़ा दिखाना है, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कर पूछो ना, फिल्म के बारे में बात. ऑफ कोर्स. चलो गाइस गाइस गाइस, आशीष यू कैन स्पीक मोर अबाउट द फिल्म. बोलना मुझे आगे जो हम करते रहे. नहीं नहीं, तुम्हें पूछो ही वांट्स इट ना. आगे क्या आगे आशीष, क्या वापस बोलना चाहूंगा आपको, अगर हॉरर फिल्म में काम करने का मौका मिले तो क्या करना चाहेंगे? सी आई एम ऑलरेडी डूइंग अ शो ऑन कलर्स, जो नयनतारा का जो मैं रोल कर रही हूँ वो सुपरनैचुरल पावर है, जिसमें एक आत्मा जो है वो पूरे मल्होत्रा खानदान को बर्बाद करती है. तो इसलिए बिल्कुल, मैं अगर मुझे कोई अच्छी सी मूवी ऑफर हुई जिसमें भूत तो नहीं बनना है लेकिन लोगों को परेशान करना है अपनी अदाओं से, अपने चीज़ों से, तो मैं ज़रूर करूँगी. ओके, नंबर गेम टाइटल के बारे में क्या कहना चाहेंगी, क्या आपको क्या कहेंगी नंबर गेम जब जहन में आता है? मुझे अच्छा लगा है टाइटल, बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मूवी का क्या टाइटल है. पब्लिक ये सोचती है कि क्या है क्या क्या है, तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है. पसंद आया मुझे, पसंद आया. नंबर गेम नंबर गेम इंडस्ट्री में बहुत चलता है. जी जी. व्हाट यू हैव टू सपोर्ट दैट, चलना भी चाहिए, कंपटीशन है. और चाहे कितना भी कोई इंसान नंबर गेम खेल ले, चाहे कितने भी गेम खेलते हैं खेल ले, किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है. आखिरी सवाल अर्शी, क्या आपने कहा कि आपकी एंटी इंडियन आ गए, हिना आ गई, शिल्पा आ गई, तो अर्शी क्या ऐसे मौके पे पहुंचेगी जब बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े बवाल हो चुका होगा, तब अर्शी की जरूरत? अर्शी जब जाएगी, जब उस शो को अर्शी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी. इट मींस यू विल बी गोइंग टू द शो. वो भी सकता है. थैंक यू सो मच. यहाँ कहाँ जाऊँ यार, नहीं हो गया मेरा, हो गया हो गया. देखिए सब नई टीम है, फ्रेश आइडियाज हैं, दिल में वलवले हैं, कुछ कर दिखाने का अरमान है, सभी नए होते हैं. इन्हें ज़रूरत है इस वक्त कि इन्हें शाबाशी दी जाए, इनकी पीठ थपथपाई जाए, इनके काम को सराहा जाए. एक कहावत है कि जब तक कलाकार को वाह ना मिले उसके दिल से आ निकलती है, तो हम इनके काम पर वाहवाही करने आए हैं. अच्छी फ्रेश नई टीम है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, अच्छा म्यूजिक है, फ्रेश एक्टर्स हैं, तो हम अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल है नंबर गेम, और क्योंकि बॉलीवुड जो है वो नंबर गेम पर ही आधारित होता है. आज कौन नंबर वन है, फ्राइडे टू फ्राइडे नंबर बदलते रहते हैं, तो पूरा दारोमदार जो है वो नंबर गेम पर ही है. और मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्राउड पुलिंग टाइटल है नंबर गेम. संभाला है, हमने आपकी फिल्में देखी हैं, मुराद साहब आपके खास दोस्त थे, बहुत आपको पसंद करते थे मुराद साहब, साथी थे आपके. लेकिन आज एक बुजुर्ग की कमी महसूस हो रही थी, आज आपने यहाँ आके उस कमी को आपने पूरा कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया. मुराद जी हैं, राजा मुराद जी हैं, रमेश गोयल जी हैं, अली खान जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो आप टाइम निकाल के मेरे लिए आए, तो बहुत बहुत शुक्रिया. आपकी दुआएं बस साथ रहें और हम ऐसे ही साथ काम करते रहें. म्यूजिक कौन सी कंपनी दिया है? लोटस म्यूजिक में है, लोटस कंपनी है, वहाँ से अपना म्यूजिक है. ये फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मिस्टर संजय शर्मा और ये डायरेक्टर हैं सुमीर सिन्हा. आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद, इन्होंने नए लोगों को फिल्म लेके बनाई और मुझे भी लिया. थैंक यू. होटल के रमेश गोयल अंकल मैनेजर होंगे, वहाँ तो मर्डर होंगे ही होंगे. कोई
सुरक्षित नहीं रहेगा वहाँ। पूरी फिल्म मेरे होटल में बनी है, पूरी फिल्म। हो गया। अब किसे लेना है? अब किसे लेना है? पूछ पूछ लो साइड में। पूछो पूछो कैसे लगा? आपके बारे में बताओ। एक मिनट, एक मिनट। जो रोल है? म्यूजिक ब्रांच वर्ड नंबर के अंकन के बारे में क्या कहते हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ मेरी मूवी बहुत आगे तक जाए, कि सुपर डुपर हिट हो। सर मैं बहुत खुश हूँ, फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे देख रही हूँ अपना ही काम, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सर आप बताओ कि ये फिल्म इतना अच्छा आपने बनाया है तो इसका फ्यूचर तो इसके कैसा लग रहा है? सबसे पहले कि मैंने हमेशा फिल्म के लिए ये विज़न रखा है कि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो पब्लिक के लिए, नंबर वन। नंबर टू, जो सॉन्ग्स हैं हमारे वो सारे मीनिंगफुल हैं, सॉन्ग्स के सारे लाइन मोटिवेशनल भी हैं, हालांकि पार्टी में है, पार्टी सॉन्ग है, फिर भी वो मोटिवेशनल भी है और लोग उसको इंजॉय भी कर सकते हैं। तो क्वालिटी मैंने जहाँ तक पॉसिबल था उन चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया है कि आज के दौर में जो गाने आते हैं जिसके बोल भी लोगों को समझ में नहीं आते हैं, वहाँ पर मैंने शब्दों को अच्छे से कृष्ण भारद्वाज जी से पिरोया और म्यूजिक डायरेक्टर ने भी काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया, काफ़ी अच्छा बनकर आया सॉन्ग। मैंने इसका प्रमोशन देहरादून में किया जा करके, वहाँ पर रमाडा होटल में प्रमोशन किया था, करीबन 200 पर्सन थे, दिल्ली में था, कई जगह पर कर चुका हूँ। ये दोनों गाने पब्लिक को पसंद आ रही है और मुझे उम्मीद है कि पब्लिक इसको लाइक करेगी और इंजॉय भी करेगी इस सॉन्ग के साथ में। I'm very excited and very happy and very proud. अभी जब लोगों ने गाना पसंद किया और इतना प्यार दिया हमारे मूवी के ट्रेलर को, so I'm very very happy and glad and thank you so much इस मूवमेंट को इतना स्पेशल बनाने के लिए, थैंक यू सो मच। सर आज का म्यूजिक लॉन्च अवसर पर क्या कहेंगे नंबर के? देखिए ये सब आप लोग रेडी है ना? नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट। सर म्यूजिक लॉन्च है आज, नंबर के पर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी खुशी की बात है कि आज नंबर गेम की म्यूजिक लॉन्चिंग है और बहुत खुशी की बात है कि एक फिल्म आ रही है, हिंदी फिल्म आ रही है और भूत पर, बहुत सालों के बाद एक ऐसी फिल्म आ रही है जो भूतनियों पर, भूत पर बनी है। मैं तो भूतों का राजा हूँ, मैंने भूतों में बहुत सारा काम किया है। सुमित सिन्हा जी ने इस बार मुझे नहीं लिया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगले फिल्म में इस भूतनी के साथ मैं ज़रूर जीतूँ। और देखिए फिल्म बनाने में मैं आप दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूँ, फिल्म बनाने के पहले से लेकर बनने तक बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, राइटर को, एक्टर को, कैमरामैन, हम 500 लोग रात दिन एक कर देते हैं तब जाकर एक नंबर गेम बनती है। तो नंबर एक नंबर गेम जो फिल्म बनी है वो फिल्म देखने के लिए आप दर्शक सिनेमा हॉल तक ज़रूर आइए, क्योंकि हम सब के मेहनत का फल आप ही देते हैं, आप जो टिकट लेकर हमारी फिल्में देखते हैं उससे ही हमारा सब भला होता है। तो आप सबसे, सभी दर्शक से, जो भी हिंदुस्तान, भारत या US अमेरिका कहीं भी जो हिंदी फिल्में देखते हैं, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिनेमा हॉल तक ज़रूर आइए और हिंदी फिल्मों को देखिए, साथ साथ हमारी ये नंबर गेम ज़रूर देखिए। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो कल लो।